Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 4.3. The statement of the question is simplify. We have actually to simplify this question. Our question ki statement ye hai ke 3 plus k root of 3 and 3 minus k root of 3. ये बहुत simple question है और ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप इस 3 को a assume कर लें और square root of 3 को b assume कर लें तो ये है a plus b और ये है a minus b. तो जब a plus b और a plus b दोनों multiply होते हैं तो इसका answer आ जाता है a square minus b square. तो इसका ये मतलब है कि इस formula के रूप से हम इसको लिख सकते हैं 3 का square और square root of 3 का square. तो ये 3 का square हमारे पास 9 आ जाता है. Square root of 3 का square जो है यहाँ square और square root cancel out हो गए तो ये हमारे पास 3 है. तो 9 minus 3 is equal to 6 आ जाएगा. इस question के second part की तरफ चलते हैं. Second part में ये होगा कि square root of 5 plus square root of 3 का square यानी whole square है. तो इसको हम इस formula की मदद से इसको square को open करते हैं. Formula कुछ इस तरह से है कि a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. तो आप इसको यहाँ पे ये सपोज कर लें कि square root of 5 जो है ये a है और square root of 3 जो है ये b है. तो ये आ गया a plus b का whole square. तो इसको जिस वक्त हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a का square यानी कि square root of 5 का square plus b का square यानी कि square root of 3 का square plus 2 into a square root of 5 और b square root of 3. यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आया 5 plus 3 plus 2 into स्केयर रूट ऑफ 5 multiplied by 3. इन दोनों को हमने यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक स्केयर के नीचे इसे लिख लिया. तो 5 plus 3 is equal to 8 plus 2 into स्केयर रूट ऑफ 15. तो हमने इसके सेकंड पार्ट को भी सिंपलीफाई कर दिया और इसका आंसर आया 8 plus 2 square root of 15. अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. ये बहुत सिंपल है. इसके अंदर पहले तो इसकी स्टेटमेंट है कि 5 का square root plus 3 का square root multiplied by 5 का square root minus 3 का square root. तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. तो उसमें क्या है कि अगर a plus b हो और a minus b हो और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको हम लिख सकते हैं a square minus b square. तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसको लिख सकते हैं 5 का square root का square minus 3 के square root का square. और यहाँ square और square root cancel हो गया, यहाँ भी square और square root cancel हो गया, तो it is equal to 5 minus 3 that is equal to 2. क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.